अमेरिका ने इराक और शाम में दाइश को शिकस्त देने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में रॉकेट हमले में हलाक कर दिया। वो पासदाराना इनकलाब की कुछ फोर्स के सरबराह थे। हमले में इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के 5 अहलकार भी मारे गए। जनरल इस्माइल कुछ फोर्स के नए सरबराह मुकर्रर। सेनेट और कौमी असम्बली की दफाई कमेटी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून और JUI का बिल जल्दी में मंजूर कराने पर एतराज। कानून 27 नवंबर से लागू होगा। कमेटी की सिफारिशात कल कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल फिर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इत्तेहादी जमातों के अरकान भी मदद। आर्मी एक्ट में तरमीम पर जल्दबाजी से काम लिया जा रहा है। बिल की मंजूरी के लिए पार्लिमानी तरीकाकार अपनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नैब एक काला कानून और डिक्टेटर का बनाया हुआ इदारा है। सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। वजीर आजम इमरान खान का दौरा फैसलाबाद। लारी अड्डे पर पनाहगाह का इफ्तिताह किया। खाना भी खाया। इमरान खान को पनाहगाह में सहूलतों पर ब्रीफिंग। अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट का संग बुनियाद भी रख दिया। कोयटा में बारिश से मौसम सर्द। पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात में दूसरे रोज भी बारिश। पहाड़ों पर सफेद मोतियों की फुहार। स्कर्दू का पारा -10 तक गिर गया। गोपस में -8, ज्यारत में -6, बगरोट स्टोर में -5 रिकॉर्ड। चूनिया में किसानों को गन्ने की रकम की अदायगी ना करने पर गिरफ्तार। ब्रादर शुगर मिल्स के मालिक का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। पुलिस के हवाले। हाजी निषाद पर 1 अरब 2 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। और लाहौर में आवारा कुत्तों की भरमार। कुत्तों के खात्मे के लिए बनाया गया डॉग ब्रिगेड भी गैर फाल। तहाल वैक्सीनेशन नहीं की गई।